भाटी जी आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ। जरा बता दीजिए कि अल्पमत में तो ये सरकार नहीं है क्योंकि सरकार चल रही है और बन गई है। अब मैं इसे हकीकत तो कह नहीं सकती हूँ, सपना कहूँ क्या? अच्छा, विपक्ष का दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए दलाली कर रहे पत्रकार तो चुनाव से पहले तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और जब चुनाव के बाद एग्जिट पोल की बारी आई तो उन्होंने तो बीजेपी को 400 के पार पहुंचा दिया था। लेकिन जब अब चुनाव हो चुका है और सरकार बन चुकी है और सरकार भी दो लोगों के कंधे पर टिकी हुई है, जिसको लेकर विपक्ष बीजेपी के ऊपर हमलावर है कि ये सरकार 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा करेगी और उससे पहले ही ये सरकार गिर सकती है। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी से रिपब्लिक भारत के एंकर बहस करती हुई देखी जा सकती है। नहीं, आप बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, क्योंकि आप तो इस बात से भी सहमत नहीं हो रही थी कि एनडीए की सीटें घट रही हैं, बीजेपी की सीटें घट रही हैं। बीजेपी की लोकप्रियता कम हुई है, मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई है, जो मोदी मैजिक का गुब्बारा था वो फूट चुका है। हम तो पूरे चुनाव कहते रहे, लेकिन आप और रिपब्लिक भारत इस बात से कभी सहमत नहीं हुआ। रिपब्लिक भारत तो लगातार 400 सीटें देता रहा। गजब बेइज्जती है एनडीए को, बीजेपी को 370-380 देता रहा। I'm interjecting, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कौन से एग्जिट पोल ने नहीं दी थी। पहले आप मुझे बता दीजिए कौन से ने नहीं दी थी, क्योंकि सब ने दी थी। दूसरी बात, जब नंबर आपके आए तो सबसे पहले आपको बधाई किसने दी थी, ये भी बता दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा आप। मैं पढ़ रहा हूँ, अगर सारे लोग भांग पिए हुए हैं तो इससे ये माफ थोड़ी हो जाता है कि हमने भी भांग पी ली थी जब सभी पिए हुए थे। तो सवाल तो ये है नी, देखिए अभी आपने बोला, जब आप जो पैकेज चला रही थी जी, तो उसमें आपने बोला इंडी और एनडीए के बीच इतनी सीटों का अंतर है, ठीक है। हमें तो आप इंडी कहेंगे, उन्हें एनडीए कहेंगे, यही भेदभाव दिखाई दे जाता है। हम तो मीडिया के इस भेदभाव से परेशान है। मीडिया को तो निष्पक्ष तो आप नहीं हो सकते, लेकिन निष्पक्ष होने का दिखावा तो करना चाहिए कम से कम। निष्पक्ष होने का दिखावा तो करो। खुले आम जब विपक्ष को कोसा जाता है मीडिया के द्वारा और मोदी जी की और उनकी पार्टी की प्रशंसा के कसीदे पढ़े जाते हैं तो पत्रकारिता का स्तर गिरता है और हमें शर्म आती है कि हमारे देश की पत्रकारिता इस स्तर पर पहुंच गई कि विपक्ष का नाम भी ढंग से लेने को तैयार नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारी बात पार्टी जी, बहुत बहुत सम्मान के साथ मैं आपसे ये कह रही हूँ, हमारा नाम भी बहुत सम्मान के साथ आपसे कह रही हूँ। आप पत्रकारिता और पत्रकारों पर इतने सवाल उठा देते हैं, तब भी मैं सम्मान के साथ हमेशा हाथ जोड़कर आपको जवाब देती हूँ, क्योंकि आप बड़े हैं और ये भी कि आप बहुत अनुभवी नेता हैं। लेकिन आप जब सवाल उठाते हैं, वो कल को अपना नाम भारत रख लेंगे तो मैं अजय आलोक जी को भारत कहने लग जाऊं, हिंदुस्तान कहने लग जाऊं। आपको इंडिया अलायंस कहती हूं तो चलिए उनको इंडिया अलायंस कह देती हूं, आपकी बात मान ली। और बताइए, इंडिया अलायंस बोल दूं उन्हें, आप इससे खुश हो जाएंगे, बहुत अचीव कर लेंगे, तो मैं कह देती हूं इंडिया अलायंस से अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो अजय आलोक जी से सवाल पूछ लेती हूं, इंडिया अलायंस का रिप्रेजेंटेटिव है वो, मैं उनसे पूछ लेती हूं, इसमें आप खुश हैं, बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। मैंने जो सवाल उठाए हैं सुचरिता जी, मैंने जो सवाल उठाए हैं उनमें एक भी गलत हो तो आप मुझे बताओ। उन्हें आप एनडीए कहेंगे और हमें इंडी कहेंगे तो ये सवाल नहीं बनता क्या? सर, मैंने जवाब उसका दे दिया भाटी, और लगातार कहेंगे, हमारे ऑब्जेक्शन करने के बाद भी कहेंगे, मैंने उसका तो जवाब दिया, सवाल नहीं बनता।